1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती चावल का पेटेंट ले लिया। अब वैसे तो बासमती चावल इंडिया का है, लेकिन अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया है तो उस कंपनी से बिना पूछे हुए आप भारत में ना बासमती चावल उगा सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, ना बासमती की किसी भी वैरायटी को कॉपी कर सकते हैं। यानी इंडिया का चावल, लेकिन आप इंडिया में उसका कुछ नहीं कर सकते। और यही होता है बायोपायरेसी, यानी दिस इज बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या है? यूज ऑफ बायो रिसोर्स, जैसे बासमती चावल, बायो रिसोर्स का यूज करना बाई मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी MNCs, बड़ी कंपनीज के द्वारा विदाउट एनी परमिशन, यानी बिना किसी परमिशन के यूज कर लेना। जैसे बासमती चावल के लिए भारत से कोई परमिशन नहीं ली गई और डायरेक्ट यूज कर लिया गया, इसी को कहते हैं बायोपायरेसी। अब इतना ही नहीं, इसके अलावा अमेरिकन कंपनियों ने नीम और टर्मरिक यानी हल्दी पर भी अपना पेटेंट ले लिया था। हालांकि ये सारे पेटेंट रिजेक्ट कर दिए गए जब भारत की तरफ से इसका प्रोटेस्ट किया गया। तो इस तरह से भारत के इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। जो पेटेंट था बासमती राइस का, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज हम टोटल 27 वेराइटी बासमती की खाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं।